planning a trip to Russia? Here is where you can get a Russian visa invitation letter, quick and for the best price. www.visaforrussia.support. Your trip to Russia starts here. We have reached Novosibirsk, Glevny. Glevny station का मैं अभी पूरा नाम हूँ पता नहीं मेरे को confirm नहीं हूँ तो Novosibirsk station पहुँच गए हैं कुछ इस प्रकार दिखता है ये वाला मस्त दिखता है बिल्कुल किसी भी सोवियत बिल्डिंग की तरह आपको दिखेगा ये और हमारी ट्रेन है शाम सुबह के 4 बजे की ट्रेन हमारी आ जाएगी 3:11 को क्योंकि हमको सब इन्फॉर्मेशन कैसे पता है क्योंकि हम सुबह आ गए थे एक बार Novosibirsk स्टेशन और सारा टाइमिंग वाइमिंग ऐसे ही देख लिया था मतलब मन कर रहा था तो देख लिया तो हमको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया भाई 12 बजे बाहर नहीं निकाला बड़े प्यार से कहा कि भाई यार इतनी देर हम बराबर ही है नहीं हम इतनी देर आपको नहीं रहने दे सकते 12 बजे तक रह लो कोई बात नहीं है भाई 12 बजे तक भी कोई होटल नहीं बैठने देगा मेरे को लग रहा है और खाना वाना पका लिया खा लिया इतना कौन करने देता है लोगों से बातचीत की हाँ तो हमारी ट्रेन अभी 3 बजे मतलब 4 बजे निकलेगी 3 बजे आ जाएगी तो तब तक थोड़ा टाइम पास करते हैं मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर लिए और ये नए सफ़र की शुरुआत ये है हमारी जर्नी का लॉन्गेस्ट ट्रेन सफ़र अभी तक था पहला था मॉस्को से एकतेरिनबर्ग वो था कितने 28 या 29 घंटे का और दूसरे वाला था 21 घंटे का और ये वाला है 31 आवर्स का तो और इस वाले में हमने लिया है सेकंड क्लास डीलक्स कंपार्टमेंट सेकंड क्लास भी कई तरह के आते हैं ये वाला हमने डीलक्स कंपार्टमेंट लिया है मतलब हमको पता नहीं था बस पैसे ज़्यादा लग रहे थे उस कंपार्टमेंट के तो हमको लगा डीलक्स होगा उसका सिंबल भी थोड़ा अलग सा था और उसमें कुछ जो सर्विसेज थी वो भी थोड़ी एक्स्ट्रा लिखी थी तो उससे मैंने गैस किया कि हाँ भाई डीलक्स हो सकता ही है तो हमने देखा चलो आपको कुछ अलग दिखाएंगे सेकंड क्लास दोबारा दिखाता मज़ा नहीं आता और इसके बाद वाली ट्रेन जो है हमारी वो बाद में बताऊँगा वो फर्स्ट क्लास की है तो अपग्रेड होते जा रहे हैं रेडी होते जा रहे हैं आज रात को अच्छी नहीं ये देखो दिख रहा है 0027 12:27 और टेम्परेचर भी दिखा रहा था 15 पर मेरा फ़ोन दिखा रहा था 12 देखो 15 दिखा रहा ऊपर तो मेरा फ़ोन 12 दिखा रहा था चलें एंट्रेंस पूरा सामने अभी तक तो जर्नी सही चल रही है मतलब ट्रेन में ना इंडिया वाला वो नहीं है कि हर 2 मिनट में रुक रही है मतलब उसमें ना नींद टूटती है पता है जैसे मैं चलो राजधानी का भी एग्जांपल दूँ ना तो राजधानी भी बहुत बार रुकती है मतलब एक एक मिनट के लिए बहुत बार रुकती है और उसमें नींद बहुत ख़राब होती है पर ये वाली ट्रेन क्या चलती रहती हैं इनका फिक्स है भाई चलना है तो चलना है तो आपकी नींद नहीं ख़राब होगी तो इसलिए बहुत अच्छी नींद आती है अब मैं समझ गया वहाँ पे रुकते ही नींद ख़राब हो जाती है पर जब ये स्टेशन पे रुकती है ना तब इनका इंजन बंद हो जाता है उसकी वजह से एसी बंद हो जाता है और हर स्टेशन पे टॉयलेट भी लॉक कर देते हैं ये तो ये 2-4 इन्फॉर्मेशन थी ये एंट्रेंस है स्टेशन की यहाँ हो गया बैग्स की चेकिंग और हमको रेसिस्ट नज़रों से देखा जाएगा तो हम उसके मतलब अब आदि हो चुके हैं तो अब चलते हैं स्टेशन के अंदर बैठते हैं स्टेशन दिखाता हूँ अंदर से कैसा है बिल्कुल किले जैसा होगा बंद करो बैठा Novosibirsk के स्टेशन पे और ये पीछे देखो कितना बड़ा स्क्रीन है और ये सारा मतलब वेटिंग एरिया है तो काफ़ी बड़ा स्टेशन है ऊपर से देखो कैसा है झूमर वूमर लटक रहे हैं सब कुछ तो अभी थोड़ा स्टेशन घुमाता हूँ आपको तो ये इस प्रकार का कोई स्टेशन है मतलब पुराना टाइप की बिल्डिंग्स है जिनको स्टेशन में तब्दील कर दिया गया खैर पहले भी स्टेशन ही थे पर अब थोड़े ऐसे हो गए हैं बिल्कुल देखो झूमर लटक रहे हैं मतलब ये थोड़ा लाउंज टाइप लग रहा है मेरे को इसमें आप पेड एंट्रेंस दे सकते हो और इतना पुराना पियानो भी रखा है पर खैर चला नहीं सकते इस तरफ ऐसा है और बिल्कुल मतलब ऐसा रेलवे स्टेशन कहीं नहीं मिला ऊपर देखो झूमर दिख रहे हैं पीछे झूमर है और आगे भी बैठने का है पूरा इस तरफ मतलब कैसा स्टेशन है ये देखो यार चार्जिंग के पोर्ट्स नहीं है कहीं पे भी मतलब एक ही दो पोर्ट है जो पीछे बंदा बैठा है ये चार्ज कर रहा था तो मतलब इतनी दूर आके कौन ही चार्ज करेगा फिर एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर सकते हो उससे आप कैमरे से कन्वर्ट कर सकते हो तो एक ये मशीन है ये सोडा वोडा ये सब बेचती है मतलब अलग अलग ये सब पैसे डाल के यहाँ से और ये भी सारा वेटिंग एरिया है देखो कितना मस्त स्टेशन है स्टेशन क्या है एक तरह से तो हमको तो बस ये इसी नज़रों से देखते हैं मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम बम प्लांट करने आए हैं क्या मतलब
ऐसी नज़रों से देखते हैं, और क्या बताऊँ मैं, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, मस्त है यार यहाँ का हर चीज़ मेरे को मस्त लगती है, मतलब पुरानी पुरानी चीज़ें, और इंग्लिश में भी लिखा है, जैसे ऊपर देखोगे आप तो इंग्लिश में लिखा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स का अलग है और जो सब अर्बन ट्रेन चलते हैं उनका अलग है, नीचे सब अर्बन के लिए है, ऊपर सारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, और लोग मेरे को देख रहे हैं कि भाई ये रात के 1:30 बजे क्या कर रहा है। सारा देखो यहाँ पे कैफे सिटिंग एरिया सारा मतलब इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और वहाँ पे देखो कितना बड़ा टीवी लगा है, इसके पीछे भी टीवी लगा है एक और इतना ही बड़ा। तो ये था पूरे स्टेशन का एक छोटा सा टूर, टाइम हो गया है 1:27, 3:11 पे आएगी ट्रेन। देख लो 10 सेकंड तक वहाँ से आ रही है, इतनी नींद आ रखी है अभी बिल्कुल, रात 3:09 हो गए और 3:11 पे आएगी ट्रेन, मतलब रुकते रुकते 12 या 13 हो जाएंगे। तो बाहर बहुत ठंड हो रही है भाई, मैं तो शॉर्ट्स में आ गया कि सोना है तो शॉर्ट्स पहन लेते हैं भाई, अभी तो जो वो देते हैं क्या कहते हैं चद्दर वद्दर, अगर इनको इंग्लिश आती थोड़ी बहुत समझ में तो मैं तो ट्रेन में चढ़ते ही ये कह देता कि भाई चद्दर टावल पावल ये सब कर दे देना, हमको भी सीट चाहिए बस। ऐसे सो गया मैं तो, मैंने कहा भाई अदनान भाई भी उठो चलो, क्योंकि अगर सोते रह गए ना, अगर एक बार नींद लग जाती है ना गहरी, फिर 4:01 के बाद उठते क्या पता, तो इसलिए पहले अपनी सीट घेर लो। 3:10 हो गए आने वाली ट्रेन, बाहर बहुत ठंड है अभी, कुछ ऐसा हम यहाँ से देखे जा रहे हैं उस वाले बोर्ड को, उस पर लिखा हुआ है सब कुछ, ये सारे लोग उसी ट्रेन के लिए खड़े हैं, ये कोई दूसरी ट्रेन है ये नहीं हमारी, हमारी इस तरफ आएगी ट्रैक 2 पे। तो ये है डीलक्स कंपार्टमेंट, अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो कुछ ऐसा है, अदनान भाई सो रहे हैं और टाइम हो गया है सुबह के 1:00, कल 4:00 चढ़े ट्रेन में तो हम सो गए हम, और अभी उठाऊँ मैं 1.5 घंटा पहले ही। हमारे साथ एक और रशियन थे, वो चले गए मतलब पुलिस स्टेशन पर उतर गए, और अभी कुछ ऐसा नज़ारा बाहर चल रहा है। इस वाले कंपार्टमेंट में मैं बताऊँ डीलक्स वाले में चार्जिंग का पोर्ट मिलेगा, ऊपर वाले में आपको 2 USB मिलेंगे, AC तो है ही, नो स्मोकिंग, और एक चप्पल देंगे, और बेडशीट वगैरह तो है ही, पर इसकी मेरे को थोड़ा टॉयलेट अच्छी नहीं लगी, और तो सब कुछ सही है। और आपको हाँ ये मेन्यू भी देते हैं, पिछली ट्रेन में हमको नहीं दिया, मेन्यू दिखाऊँ तो मतलब पिछली ट्रेन में जाके वहाँ ख़रीद तो सकते हो, पर मेन्यू उन्होंने दिया नहीं था, जैसे T45 ये 30 ये सब स्नीकर्स वगैरह वगैरह, लेस 7 अप पेप्सी जूस सब कुछ। हाँ आप ये ग्लास चाहो तो ख़रीद भी सकते हो, ये 1120 रूबल का ग्लास है, क्लासिक कप होल्डर विद अ ग्लास, ये देखो ये गिफ्ट कप होल्डर विद अ ग्लास, ये मेरे को अच्छा लगा, ग्लास काफ़ी अच्छा, अगर आप यादगार रखना चाहते हो तो मैं भी ले सकते हो, ठीक है। और अभी मेरे को शेड्यूल भी नहीं पता क्योंकि कल इतना थके हुए थे हम, तो शेड्यूल भी नहीं देखा मैंने, अभी शेड्यूल की फ़ोटो खींचूंगा और उसके हिसाब से फिर उतरेंगे। अभी तो 24 घंटे और है ट्रेन में, अभी 8 घंटे हुए हैं, तो देखते हैं। के लिए ऐसे खुलती है, ये बन गई सीढ़ी, वापस ये ऊपर की स्विच, और पर्सनल लाइट अब यहाँ पे, मिली है स्लीपर्स का केस, पर इसके अंदर मेरे को अभी फील हुआ कि कुछ और भी है, तो इसकी एक बार अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं, एक बार पकड़ना यार,
था, ये रशियन रेलवेज का सिंबल है, PYD PRD, पता नहीं क्या लिखा है, पर है ये। तो ये चप्पल है, इसके अंदर आपको मिलेगी ब्रश और छोटी सी पेस्ट, फिर मिलेगा ये जूते पहनने का होगा शायद, है ना, जूते पहनने का। ये क्या है, ये रिफ्रेशर, और तो ये पर्ची और ये चप्पल, तो मतलब ठीक है। ये किट है, ये एमिनिटी किट जैसे प्लेन में मिलती है वैसे मिली है मेरे को, अच्छा लगा मतलब। चलो भाई आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट कार, और ये वाले दरवाजे ऐसे खुलते हैं, पिछले वाले दिखाए थे मैंने, ऐसे जोर लगा दो तो खुल जाते हैं। ये कॉरिडोर है, आराम से, तो ये बंद होता है। चलो भाई ये आ गया इंडियन रेलवेज वाला सिस्टम, आराम से भाई। ऐसी है रेस्टोरेंट कार, काफ़ी अच्छी है, जो पहली वाली मैंने देखी थी उससे ज़्यादा अच्छी है। ये डीलक्स ट्रेन है, हाँ डीलक्स से अलग होगा ये, काफ़ी अच्छा ये मेन्यू है इसका। अरे इंग्लिश में भी लिखा है, हाँ वही तो, बिजनेस लंच चल रहा होगा अभी तो। तो बताता हूँ क्या क्या इंटरेस्टिंग है, अब सारा मेन्यू तो नहीं दिखा सकता, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल मतलब यार फाइव स्टार ट्रेन जैसी लग रही है ना, सही लग रही है, यूरो स्टार का जैसे होता है, हाँ ब्रेकफास्ट पर्दे वर्दे सही है। मेन्यू बताओ यार कैसा था, काफ़ी अच्छा, कैसा था, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, वेरी एक्सपेंसिव मेन्यू, एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है, और एक्सपेंसिव नहीं है ज़्यादा महंगा तो ज़रा भी नहीं है, 500 ml की कितनी की थी, 70 की बियर, मतलब ऐसे 170 से शुरू हो जाती है, सैंडविचेस मतलब 100 rupees 150 की है, तो यहाँ पे इन्होंने हमारा ऑर्डर लिया था। मैं इनको ऋतुष का टाइम बता रहा था क्योंकि 1 घंटा और आगे जा रहे हैं, मॉस्को से हम कुल मिला के 5 घंटे आगे हो जाएंगे, तो 2 घंटा 1.5 घंटा आ गया है। किससे, बीजिंग से, हाँ नहीं यहाँ से, अच्छा ये क्या है भाई, ये मेरा क्या चीज़ है, ये सैमन सैंडविच है मेरा, अच्छी खा ना, अच्छा वो मैंने नहीं मंगाया, आई डोंट लाइक दिस, चीज़ लग रहा है, चीज़ी excited, अब क्या लग्जरी फील आ रही है, क्या ऐसा लग रहा है लग्जरी, अब ऐसा लग रहा है ट्रांस साइबेरियन जा रहे हैं, कैसे अच्छे से प्लेट करके ऊपर डाले, सब ये पत्ते नहीं कर सकता मैं, मुझे पत्ते बहुत पसंद है, तो पहाड़ तो नहीं आ गए, बारिश हो रही है देखो बाहर, पीछे छींक रहे हैं पूरी तरह। कैसा था, काफ़ी अच्छा, पोर्शन थोड़ा स्मॉल है बट काफ़ी अच्छा, मतलब कितने का, 200-250 कितने का था, 200 का है, मतलब मेरे को तो छोटा लगा थोड़ा, छोटा है लेकिन टेस्टी है, मतलब ये सजाने के पैसे लिए गए हैं, हाँ मतलब वही जैसे 5-star होटल्स में सजाने के पैसे होते हैं। ये ग्लास मांगने वाले थे, खुद ही ग्लास दे के चले गए, और क्या मांग रहे थे, ग्लास में आइस, आइस क्या बोल नियत नेट। ये वन ऑफ द मेन स्टेशंस इन रशिया, क्रास्नोयार्स्क, यहाँ ट्रेन रुकी है 45 मिनट्स के लिए, कुछ ऐसा है स्टेशन, तो हम बाहर ढूंढ रहे थे खाना, पर यहाँ पे KFC मैकडॉनल्ड्स नियर में, एक मैकडॉनल्ड्स है वो 7 किलोमीटर दूर है, तो 45 मिनट्स में आना जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो ट्रेन स्टेशन के अंदर ही जो कैफे है उस पर ही देखते हैं कि कुछ अवेलेबल हुआ तो। और यहाँ पे एक हम गए थे, वहाँ पे मतलब बीफ पॉर्क ये सब मिल रहा था, चिकन नहीं था,
पॉकेट में बाहर चिकन की फोटो लगाई, बड़ा मुर्गा का पोस्टर लगा, एक मुर्गा तो है नहीं यहाँ पे, ऐसा स्टेशन है ये, दिखाता हूँ चलो आपको। ये ट्रेन जर्नी आपको बहुत ही आलसी आलसी बनाने के लिए बहुत ही सक्षम है, जैसे वो कहते ना एक ऐड था, ये एक डेंगू का मच्छर आपको बहुत बहुत बीमार करने में वो है, तो ये ट्रेन जर्नी आपको बहुत बहुत आलसी बना सकती है, क्योंकि भाई उठते ही नहीं, हम सोते ही रहते हैं 18 घंटे से सो ही रहे कुछ नहीं, मतलब कैसे सो सकता है कोई बंदा 18 घंटे, ये बताओ। हम थोड़ा ऊपर आ गए अभी, ये अंदर जाके वापस सोने वाले हो? अबे नहीं नहीं, अब मैंने प्रण लिया है कि मैं एडिटिंग करूंगा बहुत देर, मैं तो सो जाऊंगा यार। अरे यहाँ क्या व्यू है, ये देखो ये हमारी ये वाली ट्रेन है, कहाँ गई ये वाली। बाहर गए थे और लेके आए पिज्जा की स्लाइस, और कुछ मिला नहीं बिना बीफ और पोर्क के, ये 90 रुपीज की, मतलब ये स्लाइस बेचते हैं, पिज्जा भी बेचते हैं पर स्लाइस बेचने का ज्यादा कल्चर है, बड़ी बड़ी स्लाइसेस ऐसे ऐसे डिब्बे में देते हैं, ट्रायंगल शेप डिब्बे में, तो 90 रुपीज की एक है ये, मतलब 100 रुपए की मान लो।